वैलेंटाइनस डे को दुनिया भर में प्यार के दिन के रूप में मनाया जाता है। जहां ये त्योहार एक तरफ दिलों के तार जोड़ता है तो दूसरी ओर दिल तोड़ता भी है। ऐसी ही कहानी बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और उनकी पूर्व पत्नी अमृता सिंह की भी है। आज भले ही दोनों के बीच तलाक हो चुका हो, मगर किसी वक्त सैफ ने उम्र की सीमाओं को तोड़ते हुए अपने से कई साल बड़ी अमृता से शादी कर ली थी। आइए जानते हैं इस पूर्व कपल के पहले डेट की कहानी। सैफ अमृता को पहनी नजर में ही पसंद करने लगे थे। लंबी जुल्फे और नवाबी लुक लिए सैफ की लड़कियां दीवानी थी, मगर छोटे नवाब का दिल तो अमृता सिंह पर अटक चुका था। पहली डेट के लिए अमृता ने सैफ को खूब पापड़ बेलवाए। मजेदार बात यह है कि पहली मीटिंग में ही अमृता ने सैफ को किस कर लिया। ये सारी बातें सैफ ने सिमी ग्रेवाल के शो में बताई है। सिमी ग्रेवाल से बात करते हुए सैफ अली खान ने बताया कि अमृता घर पर ही डेट करना चाहती थी। जब सैफ अमृता के घर पहुंचे तो वे मेकअप उतार रही थीं। बकौल सैफ अमृता ने उन्हें पहली डेट में ही किस कर दिया। सैफ ने पूरे दो दिन अमृता सिंह के घर में ही गुजारे, मगर दूसरे कमरे में। अगले कुछ महीनों तक डेट करने के बाद दोनों ने छिपकर शादी कर ली। 13 साल तक साथ रहने के बाद साल 2004 में सैफ और अमृता का तलाक हो गया। दोनों के सारा और इब्राहिम नाम के दो बच्चे हैं। हालांकि इसके बाद सैफ का नाम कई दूसरी एक्ट्रेसेज और मॉडल्स के साथ जुड़ा, मगर 16 अक्टूबर 2012 को 5 साल तक चले अफेयर के बाद सैफ ने करीना से शादी की। अब इनका एक प्यार सा बेटा है, जिसे दुनिया तैमूर के नाम से जानती है।